بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ये नोट करें भाई, ये ठीक पास बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आपका? आज हम लोग मौजूद हैं अपनी फेवरेट टीम, आपकी फेवरेट टीम प्रिज्मा में, पाकिस्तान सोशल मीडिया एसोसिएशन, पाकिस्तान सोशल मीडिया होस्ट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका इनकार एक साल पहले किया गया था। और हमारे साथ एक न्यू हमारी गेस्ट मौजूद है, इनसे बात करना। इनका नाम है जुनाश। बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा लगा मैं आके, मज़ा आया। अच्छा, तो आपके चैनल किस हवाले से है? माशाल्लाह से आपके 60K प्लस सब्सक्राइबर्स है। मेहनत डेडिकेशन ऐसे की आप सक्सेस, और अगर सब्सक्राइबर चाहिए ना तो इंगेज रखो अपने सब्सक्राइबर को, व्यूवर्स को इंगेज रखो। और यूट्यूब क्या दुनिया पे कदम वेल सेट। थैंक यू सुदाश, किस बात को याद रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये तो फूलों वाली प्लेट लाएंगे तुम्हारे, फूलों वाली प्लेट पे बढ़ेंगे हम। अब खाना आ गया, खाली नहीं हो सकता, खाली खाली। सारा आपका शुक्रिया। थैंक यू। अरे नहीं, मैं आपको सर्व कर मैं अल्हम्दुलिल्लाह। जजाक अल्लाह खैर। रात दिन बाबर भाई को तंग किया हुआ था कि भाई आज अल्लाह ताला ने खुद मौका दिया और ये बन गया। आदिल भाई कुछ अच्छा भाई, देखें बोल रहे हैं ऐसा कुछ। तो दोस्तों, बेसिकली ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था प्रिज्मा टीम मेंबर्स ने इस दफ़ा, क्योंकि हर दफ़ा बाबरदार जो कि प्लेटर किंग है, बिग बी के नाम से भी मशहूर है, और ईट एंड डिस्कवर चैनल अपना यूट्यूब चलाते हैं, तो बेसिकली हमेशा वही हर फंक्शन ऑर्गेनाइज करा देते। तो टीम मेंबर्स ने सोचा कि इस बार हम बाबर भाई को इनवाइट करते हैं। तो बेसिकली बहुत ही मज़ा आया, सारे हम लोग मेंबर्स मौजूद थे, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर थे। और जब से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है, 1 ईयर हुआ है इसकी ऑर्गेनाइजेशन को वजूद में आए हुए, तो इसमें ऑलमोस्ट हम लोग 20 प्लेटर्स अरेंज कर चुके हैं, जिसमें लाइक मल्टीपल प्लेटर्स में रैबिट मेगा प्लेटर आया था, फिश प्लेटर, दुम्बा प्लेटर, बटेर प्लेटर और बर्ड्स प्लेटर, इतने सारे प्लेटर्स हमने खाए, मंदी और पता नहीं क्या क्या, जो लाइफ में कभी चीज़ें देखी भी नहीं वो हमने यहाँ पर इंजॉय की, एक्सप्लोर करवाया अपने व्यूवर्स को। और इतना बड़ा बड़ा स्पेशली उसके लिए प्लेटर बाबर भाई ने कस्टमाइज़ करवाया, और सऊदी भाई का भी बहुत शुक्रिया, जिनके जो अपना करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। और बाबर भाई का भी बहुत शुक्रिया कि इतनी ज़बरदस्त उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पाकिस्तान की फर्स्ट ऐसी सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाना कोई आसान काम नहीं था, लाइक उसको रजिस्टर्ड करवाना और दूसरी चीज़ें भी, आपको पता है अंदर की कितनी होती है, तो वो सब बाबर भाई ने बहुत ही खुशी सलूबी से सर अंजाम दी। और साथ साथ आप इवेंट को इंजॉय करें, मेरी बहुत सारे क्लिप्स जो हैं इसमें अनएडिटेड आएंगे, ताकि यू कैन फील गाइस यू आर आल्सो जॉइनिंग द दिस वंडरफुल इवेंट। तो आइए फंक्शन को इंजॉय करेंगे। माशाल्लाह बासित जो है बाबर भाई ऊपर भी आ रहे हैं, माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, माशाल्लाह इनकी व्यूवरशिप बहुत अच्छी हो गई है, बच्चा बड़ा हो रहा है, तो इस बच्चे को बुलाते हैं, अभी इससे पूछते हैं भाई क्या मामला चल रहा है, जरा बताओ तो सही, शेयर करते हैं लोगों के साथ। आ जाओ बासित, मैं कुछ बोलने से पहले आप सबको ये बताऊं कि जिस वक्त मुझे मोबाइल भी नहीं पकड़ना आता था ना, कैमरा चलाना भी नहीं आता था, उस वक्त फरहान भाई ने मुझे सिखाया है। ये बंदे हैं जो मेरे सीनियर हैं, हकीकत तो मुझसे पहले ये बोले तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। और मुझे अगर प्रिज्मा में किसी ने इन किया, क्योंकि बाबर भाई तो मुझे इतना जानते नहीं थे, फरहान भाई जानते थे, तो यहाँ अगर मैं मौजूद हूँ तो सिर्फ फरहान भाई की बदौलत।
क्या बात है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो भाई छोटी सी जर्नी है YouTube की, कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे बावर भाई ने अभी बोला कि भाई आसान काम नहीं है, लंबा रास्ता है। तो तकरीबन 3-3.5 साल हो गए मुझे YouTube पे मेहनत करते हुए। थोड़ा सा स्लो है, वो कछुए वाली चाल है, खरगोश वाली नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात बावर भाई से हुई थी गवादर में। तो बावर भाई और मैं दोनों ट्रैवल ब्लॉग करने गए हुए थे गवादर का, मतलब एक साथ नहीं गए थे, अलग अलग गए थे। अनफॉर्चुनेटली हमारी मुलाकात हुई थी गवादर क्रिकेट ग्राउंड में। फॉर्चुनेटली सॉरी उल्टा हो गया, जज्बात में बह गया थोड़ा सा, इग्नोर कर दे। तो भाई मसला ये, दोनों भाई जो है ड्रोन शॉट ले रहे थे, तो वहां पे मुलाकात हुई बावर भाई से। और ये जो जर्नी है ये कशिश यहाँ से खींच रही है ना गोल करके। तो भाई ये जर्नी वहां से शुरू हुई थी, वहां से मुलाकात हुई, फिर पिज्मा बनी, पिज्मा में फिर उसका हिस्सा बने, एक साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बावर भाई की मोहब्बत प्यार साथ के उस वक्त से बावर भाई ने एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। कोशिश करते हैं कि अच्छे से निभाएं, और पता नहीं वो लोग, आप लोग बेहतर बताएंगे कि अच्छे से निभाते हैं या नहीं। बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको कोशिश करते हैं अच्छे बनके हैं, ऐसा मतलब है। तो सब चीजें पता चलती हैं जी। इरफान तो आ गया, बहुत सारे देखिए मैं तो चीज बताऊं, हमेशा कोशिश करें, मैंने भी रिसेंटली पढ़ा कि अपनी ना वोकैबुलरी में इजाफा करें, अपने बोलने में अल्फाजों में ना इजाफा करें। उससे क्या होता है कि आप ना आराम से एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। ये आपके सोशल मीडिया में भी आपके काम बहुत आएगा, जब आप वीडियो बनाएंगे ना, अगर आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी के वर्ड्स होंगे तो आप अपनी वीडियो अच्छी नहीं बना सकते, एक्सप्रेसिव नहीं हो सकेंगे आप लोग। उर्दू इतनी अच्छी जबान है कि उसमें आप बहुत अच्छी तरह से अपना प्यार, नफरत, गुस्सा सब इजहार कर सकते हैं। तो उसमें ये कि अपने ना लफ्जों में इदाई उसके पढ़ाएं, अल्फाज पढ़ाएं। अगर आपके पास अल्फाज नहीं होंगे तो आप किसी भी अच्छे जुमले को खराब कर देंगे। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं, वो कहना कुछ चाहते हैं और एंड में बात कुछ और निकल जाती है। तो ये मेरी थोड़ी सी आप लोगों को एक वो है कि जैसे मेन चीज सोशल मीडिया के अंदर ये है कि अगर आप हमसे जुड़े हैं तो ये चीज बहन ने मत सोच लें कि आप इससे फायदा कैसे उठाना है। ठीक है, मैं यहाँ तक जो पहुंचा हूँ ना, मैं किसी से फायदे उठा के नहीं पहुंचा, ये अल्लाह जानता है। मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ सिर्फ अल्लाह की मदद से, बाकी आप लोगों को साथ जोड़ने का। बहुत सारे लोग मुझे ये भी सुनने में आता है कि ये ले गया चीज, अब ले गया, आप सबसे फायदा उठा रहे हैं। आप लोगों को लिया के यकीन माने 200 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे, सही है। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ आज इसलिए यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये पता हो कि भाई अपने आप को महंगा बनाए पहले। कोई किसी को फ्री में खाना नहीं खिलाता। अगर मैं कहीं जाता हूँ ना, लोग बोलते हैं आपके मजे हैं, कमेंट करते हैं, बातें करते हैं, कोई किसी को फ्री में खाना नहीं खिलाएगा भाई, जब तक उसको ये नहीं पता होगा कि आप इतने महंगे हैं। उसको पता होगा कि इससे मुझे फायदा है तो वो आपको खाना खिलाएगा, वो आपको पैसे देगा, सही है। अब मुझे लोग करते हैं फोन, ये बहुत सारे मुझसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाले लोग नहीं है, आपके काम की बात कर रहा हूँ आज। जैसे बासित ने माशाल्लाह ये चीज पिक कर ली इतने टाइम में, तो ये इसकी आज ये देखिए कामयाब हो गया, पैसे भी ले रहा है, अपनी मर्जी से ले रहा है, सही है। सब पता है ना हमें कौन कितने पैसे ले रहे हैं, वहां पे देखे कितने पैसे ले रहे हैं, आज पता नहीं कैसे ही आ गए, वरना तो ये डेली प्रमोशन पे होते हैं माशाल्लाह। लगा के ये आप मेरे ये एग्जाम्पल है, ये माशाल्लाह इन्होंने बहुत मेहनत की है। ये वेरी फर्स्ट टाइम आए थे मेरे सामने, मैंने इनसे बोला ये वीडियो डिलीट कर दें, तो इन्होंने बोला ये डिलीट कर दूं। मैंने कहा इस वीडियो को डिलीट करें, इस पैटर्न पे चलें, 6 महीने बाद आप मुझे बोलेंगे बावर भाई आप लाखों कमा रहे होंगे, और आज वो बैठे हुए कमा रहे हैं लाखों, माशाल्लाह 5-10 लाख नहीं कमा रहे लेकिन अच्छे कमा रहे हैं बहुत। तो ये नहीं हुआ उन्होंने पकड़ लिया लाखों कमा रहे हैं, तो कहां गया अभी FBR वाले आने वाले हुए। ये भी माशाल्लाह अच्छे पैसे लिए। अब मुलाकात होगी, हम भी पूछेंगे कितने पैसे जो है चार्ज। हाँ माशाल्लाह भी माशाल्लाह जबरदस्त। आप भी हमें बताइएगा कैसे क्या सूरत हाल है, अभी आप तो पूछते हैं अभी बिल्कुल। बाकी बहुत सारे लोग जुड़े हैं इसके अंदर, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। शुरू में तो जैसे आइडिया नहीं था बिल्कुल कि कैसे चलना है, बहुत सारे लोगों के साथ गुस्सा भी किया, नहीं आइडिया था। फिर वक्त के साथ साथ अंदाजा हुआ कि नहीं अपने आप को किस तरह लेके आप लोगों के साथ चलना है, अपनी मोहब्बत भी कायम रखनी है, अपनी इज्जत को भी बचाना है, सब चीजों को लेके चलना है। ये बड़ा मुश्किल पॉइंट है ना, यहाँ तो 1 मिनट में जो है ना काम उतर जाता है बंदे का भाई, एक 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 गलत कदम जाता है भाई। तो प्रोग्राम को बढ़ने से बचाने के लिए बड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय देते हैं, मुझे हर एक के बारे में जो भी वो मेरे बारे में अपनी राय रखता है मुझे सबकी पता है। कोई बंदा ऐसा नहीं, अगर मैं यहाँ तक पहुंच जाऊं तो अपनी पूरी
मालूमात चीजें करके, मतलब मैं कहीं पे कोई वीडियो बनाने भी जाता हूँ ना तो उसके बारे में ही पूरी मालूमात लेता हूँ। वो बोलता है ना कि नहीं यार हमारा तो नहीं चल रहा काम, कुछ नहीं है, ये नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ मैं उससे, फिर मैं वहाँ जाके वीडियो भी शूट करता हूँ। बाकी बहुत सारे लोगों से और रब्ता हुआ, जैसे हमारी एक टीम बन गई बाद में, जिसके बाद हमने ड्रामा भी बनाया, उसमें बहुत सारे हमारे एक लॉयल साथी भी बन गए जो चलते रहे। बाकी सब दोस्त हैं, आप किसी के साथ मेरा कोई इशू नहीं है। जो हमारा ग्रुप अलग भी हो गया उनसे भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो खुद से ही अलग हो गए, क्योंकि कुछ चीजें ग्रुप में जो पहले वाला था उसके अंदर ऐसी हो रही थी जो मुझे काफी गैर मुनासिब लगी, तो मैंने उनको जब रोकने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई हम अपना एक अलग ग्रुप बनाएंगे। मैंने कहा आप दो बनाएं, चार बनाएं, मैं तो चल रहा हूँ और चलता रहूंगा भाई, मुझे तो अल्लाह के हुक्म से ना मैं रुका हूँ और ना रुकूंगा, चलता रहूंगा इंशाल्लाह, और जहां पे पहुंचना है जब तक जिंदा हूं इंशाल्लाह तरक्की ही करूंगा, वापस नहीं आऊंगा। तो इतना काफी है, थोड़ा सा आओ मेरे नाल बिल्कुल करेंगे, केक भी आया हुआ है, केक से। तो भाई हमारे एक दोस्त है इस गुलदस्ते के खूबसूरत फूल संतोष, संतोष जो है एक बहुत प्यारा सा तोहफा लाए बावर भाई के लिए, पूरी कमेटी के लिए, जो पूरी कमेटी के तौर पे बावर भाई के हैंडओवर कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पिज्मा। सो संतोष प्लीज। क्या बात है भाई, क्या बात है, जिये सिंध, जिये सिंध महाराज जी, टोपी है जरे कुमारा जी, क्या बात है, क्या बात है, दो अल्फाज सबसे पहले तो ये शुक्रिया है कि मैं अभी ये एक अलग रिलीजन से हूँ और मैं यहाँ पे हूँ, मुझे कभी महसूस ये नहीं होता कि मैं अलग रिलीजन से, ये बड़ी एक अजीब से वक्त से पहले अजीब से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, लेकिन बाबर भाई ने ये बताया कि मेहनत करो तो वक्त से पहले मिल सकता है। तो आप अपना नसीब नसीब बदल सकते हैं, आप अगर मेहनत करते हैं और उसमें आप पक्के हैं तो आप अपनी किस्मत और नसीब बदल सकते हैं, लेकिन हम थोड़े से सुस्त हैं और बहुत ही ज्यादा सुस्त हैं, जिसकी वजह से हम कुछ नहीं बदल पाते, हम सिर्फ रात को सोते हैं और करवट बदलते हैं बस। मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबर भाई यूट्यूबर तो अच्छे हैं, उसके साथ एक अच्छे इंसान है और सबको बराबर समझते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, मुझे तो बहुत कुछ सिखाया है, मुझे कहता संतोष ये गलती करोगे तो आपको चमाट भी लगेगा, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे आप इतना बड़ा प्यार करते हैं, तो सबके लिए शुक्रिया, आप आए और एंजॉय करते हैं, इसके बाद सिंगिंग भी करेंगे। जन्म तुम्हारा दिया वो तोहफा महंगा तो नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, जन्नत तोहफा लाई है। क्या बात है, खोल के तो पैक किया बस, बाद में खोल लेना, बाहर केक काट लेते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि बाबर भाई इतना सबर और शुक्र के साथ सबको लेके चले, सबकी परेशानियां और वो देख के चले, तो उनके लिए आज सहरा अपनी जगह खड़े और दस से मस्त नहीं हो रहे, बहुत सारे लोग अलग हुए लेकिन ये सब लोगों को लेके चल रहे हैं, इनके मिजाज को भी लेके चलते हैं, रात दिन पकते रहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। हैप्पी बर्थडे पिज्मा, हैप्पी बर्थडे पिज्मा, पाकिस्तान लाइफ रेडी, देखती हूँ बहुत अच्छा निकाल दिया आपने, और यहाँ पे मुझे जो है मसरूफ भाई लेकर आए थे ग्रुप के अंदर, मसरूफ भाई को आप पकड़े सबसे पहले, और होटल में बैठ के हमने चाय वाय पिए और मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि भाई क्या कर रहे हो, डिलीट मारो यार वीडियोस, पागल हो गए हो क्या, मैंने बाबा भाई थोड़ी मेहनत से बनाई है, नहीं चलेगी, उस वक्त थोड़ा सा गुस्सा तो आया, सीधी सी बात बताओ यार वीडियो डिलीट करवा रहे हैं, मेहनत से बनाई हुई है, लेकिन फिर मैंने वीडियो डिलीट की, लेकिन जो पैटर्न बनाया उस पैटर्न के ऊपर जब मैंने चलना शुरू किया, अल्लाह का शुक्र है बहुत जबरदस्त, आज तक कोई पैटर्न बात नहीं बता रहे, ऐसी बातें बताई नहीं, ऐसी बातें बताई, अच्छा बाबा बहुत सारे लोगों की हमने
बातें सुन ली, फरहान नहीं रह गए, फरहान भाई अपने तासुरात ही दे रहे आखिर में। मैंने तो सबसे पहले तासुरात नहीं, 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 जब आपकी पहली मुलाकात हुई तासुरात तो आपको पता है कि इतने सारे बता रहे बैठे कि तो रात खत्म हो जाएगी, लेकिन तासुरात और बात खत्म नहीं होगी भाई। बाबर भाई के बारे में बस मैं पहले भी कई बार मिल चुका हूँ, क्योंकि बाबर भाई का जो नेचर था ना वो मैं बयान नहीं कर सकता अल्फाज में। इससे पहले भी मेरी काफी यूट्यूबर से मुलाकात हुई है, जिनमें कुछ लोगों में एटीट्यूड नहीं था, कुछ में था, लेकिन बाबर भाई वाहिद एक ऐसे यूट्यूबर थे जो डायरेक्ट दिल पर लगे। तो पिस्मा के साथ काफी टाइम हो गया और दुआ यही है कि अल्लाह ताला और कामयाबी दे इस ग्रुप को और हम सबको। और वैसे हैप्पी बर्थडे पिज़्मा, हैप्पी बर्थडे पिज़्मा। तो भाई ये बावर भाई को, बावर भाई की अंतक मेहनत के लिए, दानिश भाई, दानिश भाई को और ये आप समझ रहे ना किसको जाएगा, समझ रहे ना किसको जाएगा। अच्छा भाई फरहान खाएगा, अंगूर खाएगा। यार बात सुनो, आप बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, एक एक अब केक कटेगा बस सबको। कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे बाबर भाई ने अभी बोला कि भाई आसान काम नहीं है, लंबा रास्ता है। तो तकरीबन 3-3.5 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे मेहनत करते हुए, थोड़ा सा स्लो है, वो कछुए वाली चाल है, खरगोश वाली नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात बाबर भाई से हुई थी गवादर में, तो बाबर भाई और मैं दोनों ट्रैवल ब्लॉग करने गए हुए थे गवादर का, मतलब एक साथ नहीं गए थे, अलग अलग गए थे, अनफॉर्चुनेटली हमारी मुलाकात हुई थी गवादर। कोऑर्डिनेशन करना हर एक बंदे से, हमारा माशाल्लाह ग्रुप जो है तो 100 लोगों का ग्रुप, माशाल्लाह इसमें से जवाब सिर्फ 10 लोग दे रहे होते हैं, बाकी सब जो है वो गहरी नींद में जो है मेरे ख्याल से टैबलेट खा के सो रहे होते हैं, ठीक है। उनको हिला के इसने जगाया और सबसे माशाल्लाह पैसे कलेक्शन की, और इसमें हम में से कोई भी शामिल नहीं था कमेटी में से, बाबर भाई, मैं, बासित, कोई भी शामिल नहीं था इसमें से। इसकी अपनी स्ट्रगल थी जिसपे इसने आप लोगों को अप्रोच किया, और आप लोगों ने जो है माशाल्लाह फिर इस इवेंट को 4 चांद लगाने के लिए जो है अपना इंटरेस्ट दिखाया माशाल्लाह। तो भाई अप्रिशिएट करते हैं इनको, तो ये भाई है इसी तरह हमारे इस गुलदस्ते में एक नन्ना सा फूल है जन्नत, इनका नाम इतना खूबसूरत है ना जन्नत, तो देखते हैं अभी इनके मुंह से कैसे फूल झड़ते हैं जन्नत प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, पिज़्मा को 1 साल हो चुका है और ये पूरी बाबर भाई ने, मेरे मतलब बिग बी ने, 1 साल पूरे फैमिली को साथ लेके चला है और पूरी एक फैमिली बनाई है और अपने साथ लेके चले तो बाबर भाई के लिए जोरदार क्लैपिंग। भूल गई, चले बहुत शुक्रिया भाई, हमारे शेफ हैं और ये चाय बन रही है, ठीक है। अभी मैं आपको चाय का टेस्ट करके दिखाऊंगा कैसी बनी है, मुझे रात 9 बजे से पहले वाला मैटर आपका था ना, सब कुछ आप सबने कह दिया कि भाई बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी है और स्पेशली मेरे साथ तो बिल्कुल बड़े भाई। जी हाँ व्यूवर्स, ये थी हमारी पिज़्मा टीम, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं पिज़्मा जी हाँ व्यूवर्स, तो ये थी हमारी पिज़्मा की फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मजीद अगर आपको ऐसी मज़ेदार सी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मिलती हूँ किसी और अच्छे कंटेंट में, बाय, अल्लाह हाफिज़।